हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। एज पेरेंट्स इस टाइम सब लोग काफ़ी वरिड हैं कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेके, स्पेशली बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए ये लेके सब लोग काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि इसके ऊपर आप एक वीडियो कीजिए, तो इस वीडियो में मैं अपने ही थॉट्स आपसे शेयर कर रही हूँ बेसिस ऑल द इन्फॉर्मेशन जो मैंने गैदर करी है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को सही जानकारी मिल सके। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस, ऐसी बातें चल रही हैं जो लोगों में पैनिक एक ज्यादा क्रिएट कर रही हैं और उन्हें थोड़ा सा डिविएट कर रही हैं राइट इन्फॉर्मेशन से। तो राइट इन्फॉर्मेशन सबके पास होना जरूरी है, इसलिए वीडियो है आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। कोरोना वायरस कुछ खाने से नहीं फैलता है, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के बिल्कुल साथ खड़े हैं, वो छींक मार रहा है या खांसी कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये वायरस जो है आप तक पहुंच जाता है। या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कहीं ऐसी जगह खांसी कर रहा है या छींक मार रहा है और सरफेस पे वायरस फैल गया है, आपने उसी सरफेस को टच करा और फिर अपने मुंह को टच कर लिया, अपने नाक को टच कर लिया, तो ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। इस वायरस के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं बुखार आना, खांसी होना, स्पेशली ड्राई कफ देखा जाता है, और एक जो सबसे मेन सिम्टम देखा जाता है वो है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होना। काफ़ी सिवियर केसेस में निमोनिया भी देखा गया है, बट अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको इस टाइम पर टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं। तीसरा पॉइंट है, क्या इस टाइम पर मास्क पहनना ज़रूरी है। आप ऑलरेडी जानते होंगे अपने लोकल केमिस्ट वगैरह के कॉन्टैक्ट के थ्रू कि इस टाइम पर मास्क, सैनिटाइजर्स जैसी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी है। मास्क पहनना उनके लिए ज़रूरी है जिनको इस टाइम पे फ्लू के या नॉर्मल जो कोल्ड कफ वगैरह है या फिर वायरस के कोई भी सिम्टम्स हैं, अगर वो लोग मास्क पहनेंगे तो ये जो भी वायरसेस होते हैं, चाहे वो नॉर्मल फ्लू हो चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, ये आगे कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं होते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट होने की वजह से सब लोगों ने जाके केमिस्ट वगैरह से ऑनलाइन मास्क वगैरह लेके मास्क को ख़त्म ही कर दिया है, तो जो इन्फेक्टेड लोग हैं जिनको नॉर्मल फ्लू चल रहा है उनके पास मास्क अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लू वायरसेस भी जो हैं वो बाहर कम्युनिटी में फैल रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिनको इस टाइम पे कोल्ड कफ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ उन्हें सजेस्ट कीजिए कि वो मास्क पहने और वो अपने आप को आइसोलेट करें ताकि ये आगे फैले नहीं। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से 3 फीट का डिस्टेंस बना के चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चौथा पॉइंट जो आपको एक्चुअली करना है, जो मास्क से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई। हाथों की सफाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप साबुन और पानी जो होता है, जैसे डिटॉल हो गया, हर घर में होता ही है, आप उससे हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, बाहर से आने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, वॉशरूम जैसी जगहों को टच करने के बाद हाथ धोएं, किसी के साथ आप कॉन्टैक्ट में आते हैं कोई ऐसी जगह को साफ करते हैं, टच करते हैं, तो हाथ धोएं। बच्चों को इस टाइम पे एक फन तरीके से सिखाइए कि हाथ धोना एक अच्छी एक्टिविटी है, बार बार उनके हाथ धुलाइए। दूसरा तरीका है, आप सैनिटाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स मार्केट में मिलते हैं, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगला पॉइंट है कि अगर आपको खांसी जुकाम है, छींकें आ रही हैं, तो किस तरीके से आपको इसको करना है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ड्राई टिश्यूज़ यूज़ कीजिए, ड्राई टिश्यू को यूज़ कीजिए और उसे फिर डस्टबिन में इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उसे साइड टेबल्स पे नहीं रखिए। या टॉवल्स का यूज़ इस टाइम पे मत कीजिए, क्योंकि टॉवल का क्या होता है कि कोई ना कोई और उसे छू लेता है, हाथ लगा लेता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं वो फैलते हैं। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। इस टाइम पे, क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा है, बच्चों में और बड़ों में जो फ्लू है वो वैसे भी नॉर्मल फ्लू भी फैल रहा है, तो गाइस बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम अपनी होम रेमेडीज़ को थोड़ा साइड रखें, टाइम पे डॉक्टर्स को जाके मिलें, टाइम पे ट्रीटमेंट लें और ठीक हो जाएं। बिकॉज आप नहीं चाहते कि ये जो कोरोना वायरस है वो जस्ट इन केस अगर होता भी है तो पहले से अगर आपकी बॉडी को एक प्रॉब्लम है तो यहाँ उसको डबल प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करना पड़ेगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एक डेडली वायरस नहीं है। ये वायरस जब कंपेयर किया जा रहा है पहले जो वायरसेस आए हैं उनके कंपेरिजन में, इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, और वो भी उन केसेज में हुआ है जो केसेस बहुत ही
सिवियर हैं, जिनको पहले से भी काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, या टाइम पे जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उस केस में ही हुआ है। इस वायरस से लोग ज़्यादा घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि अगर पता चल जाता है कि आपको कोरोना वायरस है, तो जो इसका ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको एक आइसोलेशन में रखा जाता है, वो ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट है। आपको अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, आपको सपोर्टिव केयर पर रखा जाता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लोग इससे घबरा रहे हैं और इसके स्प्रेड से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना वायरस में सपोर्टिव केयर देने से लोगों की रिकवरी हो रही है। अगला टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप अपनी इम्यूनिटी को, बच्चों की इम्यूनिटी को इस टाइम पे बूस्ट करें। काफ़ी सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि कोई होम्योपैथिक दवाई है जो इसमें मदद कर सकती है, हल्दी का पानी पीने से मदद हो सकती है, गार्गल करने से मदद हो सकती है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ होता तो आपको ऑलरेडी अपने डॉक्टर से पता चल चुका होता। मेन पॉइंट ये है कि आपकी इम्यूनिटी इस टाइम पर स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग इम्यूनिटी होने के बाद भी आपको वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, बट आपकी बॉडी उससे बेटर फाइट कर सकती है। देखो, डेली गागल्स करना, हल्दी लेना, हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को वैसे ही बढ़ाता है, तो ये रोज़ाना में करने में जो नॉर्मल वायरसेस हैं उससे भी आपको बचा के रखेगा। तो दीज आर ऑल गुड हैबिट्स, बट इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आपको कोरोना वायरस से बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस अगर होता है तो सपोर्टिव केयर से आपको डेफिनेटली रिकवर करा दिया जाएगा, बट अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका है विटामिन सी रिच चीज़ें लेना, फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना, वेजिटेबल्स इंक्लूड करना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, इस टाइम पे मास गैदरिंग्स को अवॉइड करना। होली आने वाली है, अवॉइड कीजिए मास गैदरिंग, मॉल्स में जाना, पार्क्स में जाना, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। छोटी छोटी प्ले डेट्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बच्चों के साथ घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। स्कूल्स में बच्चों को भेजना आप इस टाइम पे अवॉइड कर सकते हो, ऑल्दो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि स्कूल्स ऑलरेडी काफ़ी सारे मेजर्स ले रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन स्कूल्स में चल रहा है, बट जैसे आप जानते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइम स्कूल्स जो हैं वो 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं, तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना कि एक दूसरे से डिस्टेंस बनाओ, खांसी करते हुए मुंह पे हाथ रखो, टिश्यू लो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एज अ प्रिकॉशन अगर आपको लगता है कि बच्चे को घर पे रखना ठीक है, तो आप डेफिनेटली वो कीजिए। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये दूंगी कि ब्लाइंडली आंखें बंद करके सोशल मीडिया को फॉलो मत कीजिए। रिलायबल सोर्सेज से पता कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट कीजिए। आपको ज़रा सा भी कोई भी सिम्टम लग रहा है नॉर्मल फ्लू का भी, तो आपका डॉक्टर आपको बेस्ट बता सकता है कि क्या आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं। अपने आप को आइसोलेट कीजिए ताकि आप कम्युनिटी में नॉर्मल वायरसेस के स्प्रेड को रोकें। एक दूसरे के साथ सिर्फ गॉसिप मत कीजिए, इस चीज़ से सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है और लोग पैनिक हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी बारी बारी ये कह रही है पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, आपको एज अ कम्युनिटी साथ आके सही हाइजीन फॉलो करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ताकि हम इसके स्प्रेड को इकट्ठे मिलके रोक सकें। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली आपके जो हाउस हेल्पर्स होते हैं, जो आपके घर में मेड्स आती हैं, गार्ड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो कम्युनिटी इस टाइम पे मिसगाइड ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा पैनिक हो रही है, उनको ज़रूर इस चीज़ के बारे में अवेयर कराइए, ताकि उन्हें सही तरीके से पता हो कि ये क्या है और उसको कैसे फाइट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।